अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश शासन MVS रामारेड्डी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में हो रहे धान खरीद की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर निबंध सहकारिता गोरखपुर मंडल रमेश बाबू गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव सहकारिता MBS रामारेड्डी ने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष धान की खरीदारी की जाए तथा किसानों को उनके धान के मूल्य का 72 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शासन द्वारा धान खरीद के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इसके अलावा धान क्रय केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक कांटा और उचित बोरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धान की खरीद में कोई कोताही ना बरती जाए, धान केंद्र पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे किसान अपने धान को बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सके। आप डीलर सर कराएंगे करा रहे हैं सर, और स्पीड में इसको लाएंगे सर। हाँ सर, हमारे यहाँ 3 एजेंसी चली गई सर, तो हमारा टारगेट खरीद का बढ़ा दिया गया सर, तो इस वजह से खरीद में सर यहाँ पे हमारी दोनों एजेंसियों को मिला के सर 3000 MT डेली की एवरेज खरीद हो रही है सर, तो उससे भी थोड़ा सा इस रेशियो को मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। भाई देखो, आपका पीलीभीत में DCF 32,000 और आपका जो है 58,000 हो गया PCU का, 70,000 हो गया। इतना कम क्यों दिखाया? नहीं मतलब चाहता है।